अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल पूरी कम्प्लीटली ठीक नहीं हूँ पर शुक्र अल्लाह का बेहतर हूँ। पिछले दिनों बहुत बुरी खांसी हुई हुई थी मुझे। लास्ट वीक कज़न की शादी थी, बहुत हल्ला गुल्ला किया, शुक्र है तब मैं ठीक थी बिल्कुल। उसके बाद जैसे संडे था, हाँ तो मंडे ट्यूसडे से मेरी तबीयत ख़राब रहना शुरू हो गई। मेरा गला बहुत बुरी तरह ख़राब हो गया और मैंने 3-4 दिन बहुत 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 अजीब से गुजरे। और बहुत बहुत अल्लाह का शुक्र है कि अब बेहतर हूँ। गला ख़राब, खांसी, ज़ुकाम, ये चीज़ें तो हर एक को बहुत ज़्यादा फैली हुई है। मेरा बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, मैं रात को सो नहीं पाती हूँ, इतना बुरा हाल हो जाता है। तो अभी ठंड जैसे है, पहले से काफ़ी कम हो गई है लेकिन फिर भी ठंड है। आप लोग एहतियात ही करिए और खूब सारा पानी पिए। जैसे कि मेरा गला ख़राब है, मैं खूब पानी पीने की कोशिश कर रही हूँ। पिया नहीं जाता गले ख़राब में, फ्लू में दिल नहीं करता बिल्कुल भी, लेकिन पानी पीना ज़रूरी है। तो आप लोगों के सामने आप लोग को जो बॉक्स नज़र आ रहा होगा, अब उस पर आ जाते हैं। हाँ अच्छा ठीक है, हाँ बॉक्स की तरफ आने से पहले आप लोगों से एक मेरी काइंड रिक्वेस्ट है। मैं देख रही हूँ कि आप लोग मेरी वीडियोज़ देख रहे हैं, काफ़ी लोग जो सब्सक्राइब कर देते हैं उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि थैंक यू सो मच कि आपने सब्सक्राइब किया मेरे चैनल को। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मैं कभी मायूस नहीं करूँगी और ऑनेस्ट रिव्यूज़ दूंगी। ऑनेस्ट मीन्स के मतलब एग्जैक्टली ऑनेस्ट रिव्यूज़, झूठ सच नहीं बोलूँगी। मेरी कोशिश यही होती है कि जो मुझे सही लगती है चीज़ मैं आप लोगों को वही बताऊँ। और साथ में ये भी बता देती हूँ कि जो प्रोडक्ट है हर एक के हिसाब से डिफरेंट होती है। अगर तो ऐसा होता है कि मुझे कुछ सूट कर गया, मैं इसकी बहुत तारीफें कर रही हूँ और आपको सूट नहीं कर रहा, तो वो कुछ और बात है। लेकिन वो ऐसी चीज़ है जो मुझे सूट नहीं कर रही और सबको सूट नहीं कर रही। मेरे फैमिली में कोई यूज़ कर रहा है, मेरी अम्मी या मेरी बहन, तो मुझे वो लगता है कि फिर ऐसी चीज़ों की ज़ाहिर बात है वो किसी को भी सूट नहीं करेंगी। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं ऑनेस्ट रिव्यू दूँ और मैं मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी है मैंने उनका ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। जो मुझे सूट करता है मैं बताती हूँ कि हाँ ये मुझे बहुत सूट किया, जो मुझे सूट नहीं किया। और मेरी कोशिश यही है कि मैं किसी को मिस गाइड ना करूँ, क्योंकि हो सकता है मेरा रिव्यू देखने के बाद कोई एक इंसान भी अगर लेता है कोई प्रोडक्ट, तो वो मुझे इसका जाता है कि मैं उसको मिस गाइड नहीं किया। क्योंकि अगर मैं कह दूँ कि हाँ भाई बड़ी अच्छी चीज़ है और वो जाके ख़रीद ले, तो वो फिर बड़ी नाइंसाफ़ी हो जाती है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं कोई चीज़ यूज़ करती हूँ मुझे सही नहीं लगती है तो मैं उसका रिव्यू देने की कोशिश करती हूँ कि उसका ऑनेस्ट रिव्यू दिया जाए। कुछ अच्छा लगता है तो मैं कहती हूँ हाँ सबको बताऊँ कि बहुत अच्छा है, सब ट्राई करें। और अगर कुछ बुरा लगता है तो वो भी मैं बताती हूँ कि ताकि कोई वो उसको ले ना। खैर ये इतनी सी बात थी, तो मैं यही कहना चाह रही थी कि आप लोग व्यूज़ तो बहुत आ रहे हैं लेकिन काफ़ी लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल को। तो उनसे मेरी काइंड रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ एक मौका तो दीजिए कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि मुझे और भी मोटिवेशन मिले और मैं आगे और इम्प्रूव करूँ मज़ीद। कुछ लोग बहुत अच्छे हैं, मुझे कमेंट्स में बता देते हैं कि क्या गलती हुई वीडियो में, क्या फ्लॉज हैं। और मेरी हर जो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाती हूँ उसमें मेरी कोशिश यही होती है कि अब मैं उसमें गलती ना करूं जो मैंने उस वीडियो में की थी जिसमें मुझे कमेंट आया होता है। खैर इसी के साथ यही बस कहूंगी कि वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स को कहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं प्लान करती तो हूँ ऑब्वियसली, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि वो अपने वक्त पर अच्छी लगती हैं। इंशाल्लाह मैं बोलना नहीं चाहती हूँ पहले, मेरी कोशिश है कि मैं कुछ इन रिव्यूज़ के अलावा भी कुछ ब्यूटी एक्सट्रीमिस्ट, मेरे पेज का नाम है तो मेरे चैनल का नाम है, पेज मेरा इंस्टाग्राम पे सॉरी उसको भी बल्कि जाके फॉलो कीजिए अगर नहीं फॉलो किया अभी तक। तो ब्यूटी एक्सट्रीमिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, तो इसमें ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें हैं, बहुत कुछ आ जाता है, सिर्फ रिव्यूज़ नहीं होते हैं। तो मेरी कोशिश है कि मैं इंशाल्लाह कुछ नई चीज़ें ऐड करूं और वो मैं आपको इंशाल्लाह दिखाती, मैं कोशिश करती रहूंगी। मतलब वही बात है कि अपने टाइम पे मैं आपको बोला टाइम पे अच्छी लगती, जब करूंगी तब भी इंशाल्लाह आप देखेंगे कुछ डिफरेंट लाने की कोशिश। तो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड टू माई चैनल और सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, शेयर करें। अब ये आप लोगों को चीज़ आप सामने नज़र आ रही है आपके, ये एक बॉक्स है। वॉट बॉक्स इज इट? जो लोग यूज़ कर चुके हैं उन्हें आइडिया हो गया होगा, लेकिन जिन्होंने नहीं यूज़ किया उनको नहीं पता होगा। इट्स वेरी प्रिटी बॉक्स, बहुत प्यारी पैकेजिंग है, आई लव्ड इट। मुझे इस पहली नज़र में पसंद आ गया था और सबसे बड़ी बात ये गिफ्ट
के लिए देने के लिए बहुत बेहतरीन है। जैसे आजकल शादियों का सीज़न है, लड़कियों को ये गिफ्ट दिया जा सकता है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव, मगर लेकिन ये कि बड़ा वर्थ है इसकी, बहुत ज़बरदस्त प्रोडक्ट्स हैं इसमें। ये मैं अनबॉक्स कर चुकी हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए दोबारा से मैंने इसे पैक किया है और इसमें सारी चीज़ें रखी हैं, ताकि वो एक अच्छा सा एक लुक आती है कि मैं आप लोगों के सामने अनबॉक्स कर रही हूँ। यहाँ पे बड़ा अच्छा सा रिबन भी था बना हुआ, बट वो अनबॉक्स बॉक्स करके दोबारा दोबारा से वो भी इसके ऊपर से हट गया है, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, आई अपोलोजाइज। चलें अब इसको अनबॉक्स करते हैं, मेरे से रहा नहीं जा रहा, 5 मिनट की वीडियो होगी, उप्स आई एम सो सॉरी। चलें इसको खोलते हैं। ये इसके ऊपर से बॉक्स जो है ये इसमें है, ये वैसे ऐसे ये रबर बैंड टाइप है, तो ये इलास्टिक है, तो इससे ये ऐसे हो जाता है, लेकिन इसका जो रिबन है वो टूट गया है, वो बहुत क्यूट था। खैर वो पता नहीं मैंने कहीं घुमा भी दिया है, खैर सो इरेस्पॉन्सिबल आई एम। हाँ जी हाँ, ये इसके अंदर है लूफा, सबसे पहले ऊपर ऐसे करके ही ये आ जाता है, ये ऐसे ही पैकेजिंग थी इसकी, इसमें हुई भी, एंड यस ये आप लोगों को मैं दिखा दूँ। मैं चले वो ख़त्म करती हूँ सस्पेंस, बॉडी शॉप, बॉडी शॉप का मैंने ये पूरा पैक खरीदा है। इसकी प्राइस इंडिविजुअली लिख दूंगी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये लूफा है, आप लोगों को पता है जो लोग शार लेते हैं उनको तो आइडिया होता होगा इससे कि ये बड़ा अच्छा होता है, इसे आप ज़रूर यूज़ किया करें। इससे एक तो आपकी स्किन बहुत आप बॉडी शार जो है वो कम यूज़ होता है, आप कभी खाली इसके अलावा बॉडी शार यूज़ करें तो वो काफ़ी बॉडी शार यूज़ करना पड़ता है, लेकिन इसके साथ आप थोड़ा सा भी लें तो काफ़ी अच्छी सी झाग बन जाती है और अच्छा गुजारा हो जाता है, और बॉडी बहुत सॉफ्ट हो जाती है, एक किस्म की आपकी एक्सफोलिएशन हो जाती है, तो आप लूफा यूज़ किया करें, इट्स गुड। उसके बाद फॉरन मॉइस्चराइजिंग भी कर लें। जैसे लूफा की बात आई है तो फिर ये बॉडी शार पीछे कैसे रह सकता है, ये बॉडी शॉप का ही बॉडी शार है, एंड इट सेज के ये है ब्रिटिश रोज शावर जेल, और ये लोग इस पे मेंशन किया हुआ है इन लोगों ने कि विद एसेंस ऑफ हैंड पिक्ड रोजेस फ्रॉम ब्रिटेन, यानी कि मतलब ओरिजिनल है ये, ऑर्गेनिक रोजेस से बनाया गया है। 250 ml की बॉटल है, प्लास्टिक की है, ब्लैक इसका कैप है इस तरह से, और बड़ा प्लेजेंट सी एक लुक है इसकी, आप चीज़ को देख के भी मज़ा आना चाहिए यूज़ करने में, तो नो डाउट खुशबू उसकी, और अभी मैंने ये ओपन किया है तो इतनी ज़बरदस्त प्लेजेंट खुशबू आ रही है रोज़ेस की, और मुझे रोज़ेस बेस्ड प्रोडक्ट्स अच्छी नहीं लगती खास, बट आई जस्ट लाइक दिस वन टू मच, मैं ऑब्सेस्ड हो गई उसके साथ, क्योंकि मुझे रोज़ की प्रोडक्ट्स नहीं पसंद है, मुझे रोज़ की नेचुरल फूल जो होता है उसकी खुशबू बहुत पसंद है, पर उसकी प्रोडक्ट्स होती हैं मुझे नहीं पसंद, जैसे सोप्स और वो चीज़ें, लेकिन ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, बहुत डिफरेंट और बहुत मज़े की खुशबू है, तो ये बहुत सारी रेंज ही रोजेस की है, रोज़ की है, रोजेस की कह रही हूँ, रोज़ की है सारी रेंज, एंड ये इसकी यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स मेंशन है पीछे, और पिंकिश टाइप का कलर है अंदर से बॉडी शार का, तो ये इसके ऊपर आप थोड़ा सा डालें और थोड़ा सा वेट, इसको पहले वेट करना है, ये इसके ऊपर थोड़ा सा डाला और आप इसको झाग बना के ऐसे ऐसे यू कैन जस्ट डू इट। जिनको पोर्स गंदे हो जाते हैं वो इसको अगर इस तरह से यूज़ करें, वो उसको इस तरह से सर्कुलर मोशन में यूज़ करें, वो रेगुलरली करें, नहाएं जब भी, तो बड़ा फ़र्क पड़ेगा इंशाल्लाह, आपके पोर्स क्लीन आपको नजर आएंगे। और ये चीज़ें जो मैं यहाँ पर आपको दिखाती जा रही हूँ, मैं यहाँ पर डालती जाऊँगी, ये बॉडी शार एंड दिस इज़ लूफा। उसके बाद ये हम आ जाते हैं बॉडी स्क्रब, इसके ऊपर भी ये रोज़ बना हुआ है, ब्लैक सा ये प्लास्टिक जार है छोटा सा, 50 ml, एंड एक्सफोलिएटिंग जेल शॉप स्क्रब ये है, ब्लैक कलर की बॉटल है, एंड दिस इज विद रोज पेटल्स एंड एसेंस ऑफ हैंड पिक्ड, इसमें भी वही लिखा हुआ है कि ये नेचुरल रोजेस से बना हुआ है, इसको मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ एक दफा। ये चीज वाओ, ये बड़ा क्रीमी सा है, और मैंने यूज किया है एक दफा अपने हैंड्स पे, क्वांटिटी थोड़ी है बट चले कोई नहीं। इसकी खुशबू, मैंने सिर्फ इसको ओपन किया है, इतनी ज़्यादा खुशबू फैल गई है यहाँ पे, इसकी जो ग्रैनुल्स हैं वो थोड़े ठीक ठाक हैं, और इसका रिजल्ट जो था
जैसे स्क्रब्स का होता है वैसा ही था, नथिंग मच की बहुत ज़्यादा कोई हाथों को मैंने ज़्यादा कर दिया कुछ, या मैंने फिर थोड़ी अमाउंट में यूज़ किया था, ये हो सकता है क्योंकि मैंने थोड़ा सा बस टेस्ट किया था, तो मैंने रिव्यू देना था तो मैंने थोड़ी थोड़ी सब चीज़ों को यूज़ किया। लाइव है तो मुझे थोड़ा टाइम हो गया, कुछ दिन हो गए, काफ़ी जनवरी के शुरू में आया था, लेकिन मैं चाह रही थी कि पहले यूज़ कर लूँ चीज़ें फिर करूँ, क्योंकि मैंने खुद फर्स्ट टाइम बॉडी शॉप की प्रोडक्ट्स यूज़ किए एंड आई मस्ट से कि मुझे इनका बॉडी शॉवर अच्छा लगा है। स्क्रब भी ठीक है, बस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मुझे कुछ नहीं लगा अभी तक। मैं फिर कभी मुझे डिस्कस करना हुआ तो ज़रूर करूँगी कि कैसा है, अच्छे से जेनरसली यूज़ करके बताऊँगी आपको। खुशबू बहुत अच्छी है, रिफ्रेशिंग है एंड नो डाउट सॉफ्ट कर देता है वो हैंड्स को। मेरे हैंड्स सॉफ्ट हो गए थे, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे मेरे हाथ पाँव ज़रा ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, तो मुझे कोई ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग कुछ चाहिए, तो खैर नॉट बैड। ये है इनका स्क्रब। हाँ, ये आ जाते हैं जी हाँ, बॉडी शॉप 24 आवर, क्या लिखा है, 24 आवर मॉइस्चर फॉर नॉर्मल टू ड्राई स्किन। ये नॉर्मल से ड्राई स्किन वालों के लिए है। एसेंस ऑफ हैम्प्रिक, वही वाली बात फिर से। 200 ml की ये बॉटल है और ये भी प्लास्टिक है। इस तरह की ये बड़ा ही इंस्टेंट ग्लो बटर है और ये एक तरफ सारी क्रीम चली गई। अच्छा, मैं इसका बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। नहाने के बाद इसको आप अपनी बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। बहुत ही एब्जॉर्ब हो जाता है एंड थिक है थोड़ा सा, और बहुत ज़्यादा थिक नहीं है कि आपकी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब ना हो, लेकिन आपकी स्किन को सॉफ्ट बना देता है। बहुत खूबसूरत एहसास इस वक्त मैं फील कर रही हूँ, क्योंकि खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है मुझे। तो ये इसने मेरे हाथ को, आप लोग नजर आ रहा हो कि नहीं, पता नहीं कि ग्रीस ही हो गए हैं थोड़े से, लेकिन ऐसा ग्रीस नहीं है कि जो इरिटेट करे। मुझे हमेशा ये इशू होता है कि बहुत ज़्यादा ग्रीसी ना हो। इसका बॉडी का जो है बॉडी क्रीम है और मुझे अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी। मैं इसकी प्राइस भी मेंशन करूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये इनकी हैंड क्रीम है, हैंड क्रीम इज जस्ट टू गुड। इतनी क्यूट पैकेजिंग है इसकी, ये इस तरह से छोटी सी ट्यूब में है और ये 30 ml है। इसकी इंग्रेडिएंट्स पीछे गिवन है, ये भी मैंने यूज़ की हुई है और काफ़ी दफ़ा की है। अच्छा, इसका मैं इस वाले पे करके दिखाती हूँ आप लोग को। मैं इतनी सी ली है मैंने, और ये भी बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं है, बहुत ऑयल बेस्ड टाइप है, बहुत ज़्यादा क्रीमी नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी लगी है, सॉफ्ट। अब मैं इसको एब्जॉर्ब करती जाऊँगी जब तो सॉफ्ट हो जाएगा और बहुत एब्जॉर्ब हो जाएगा। मुझे वो जो बॉडी क्रीम है ना, मैंने आपको बताया मेरे हाथ बहुत ज़्यादा खुश्क हैं, मुझे बॉडी क्रीम ज़्यादा अच्छी लगी। या हो सकता है कि मैं अगर इसको ज़्यादा यूज़ करूँ तो फिर वो ये बहुत अब्सॉर्ब होगी, या मुझे ऐसी क्रीम्स अच्छी लगती हैं। दरअसल मैं ये नहीं चाहती कि ड्राई स्किन वाले इसको ले लें और फिर वो मेरे पे गुस्सा करें। मुझे क्रीसी नहीं चाहिए होता। मुझे जैसे मेरे अपने हाथ पाँव हालांकि ड्राई हैं, मुझे ऐसा कुछ चाहिए होता है जो मेरी स्किन को क्रीसी ना करे और सॉफ्ट कर दे, ड्राइनेस ना हो उसे। इससे ज़्यादा मुझे इनकी क्रीम अच्छी लगी है, तो ये इसको मैं कहूँगी कि जस्ट जस्ट ओके है, लेकिन मेरे जैसे बंदे के लिए आइडियल भी है, क्योंकि मैं इसको भी यूज़ करती हूँ बहुत खुशी से। देखें आप लोगों को कि ये काफ़ी यहाँ से यूज्ड भी लग रही है। मेरे जैसे इंसान के लिए जिसको ग्रेसीनेस और इस तरह की चीज़ अच्छी नहीं लगती है, वो ये यूज़ कर सकते हैं आराम से। तो मुझे ऐसी क्रीम्स अच्छी लगती हैं, तो खुशबू इसकी वही वाली बात, सब चीज़ों की प्रोडक्ट्स की खुशबू वही है, बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, देयर परफ्यूम 100 ml में है इनका परफ्यूम, और ये भी मैंने थोड़ा यूज़ किया है, बहुत रिफ्रेशिंग है। ग्लास बॉटल है सो आप इसको कैरी नहीं कर सकते कहीं पे, मतलब टूटने का डर हो सकता है, ग्लास बॉटल है पर अच्छा वाला ग्लास है, ऐसे ही नहीं टूट जाएगा। बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है इसकी, आप लगा लें एक दफ़ा तो फिर आपके कपड़ों में से धुलने के बाद ही जाएगी, बल्कि मुझे लगता है धुलने के बाद भी नहीं जाएगी। मैंने बस एक ड्रॉप डाला है यहाँ पे एंड इट स्मेल्स सो ग्रेट।
बहुत रिफ्रेशिंग खुशबू है। मैंने आपको बताया कि मुझे रोज़ रेंज की परफ्यूम्स चीज़ें नहीं अच्छी लगती हैं, लेकिन मुझे ये रोज़ रेंज जो है बहुत पसंद आई है। आई एम लविंग इट। किसी को गिफ्ट देना है दें, और इसको यूज़ करें। कुछ इंग्रेडिएंट्स के मैंने हैं, मेड इन फ्रांस, ठीक हो गया, ज़बरदस्त। चीज़ों की मैं आप लोगों को अलहदा से नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्राइस बता दूंगी, बॉक्स की प्राइस भी मेंशन कर दूंगी, अगर आप लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये इनका बॉक्स है जिसमें ये पैकिंग हुई हुई थी कुछ इस तरह से, पेटल सॉफ्ट ब्रिटिश रोल्स प्रीमियम कलेक्शन। तो इसके अंदर ये सब प्रोडक्ट्स ही मैं आप लोगों के सामने दोबारा इसमें रखती हूँ। तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा बॉडी शॉप के साथ। स्क्रब और क्रीम जो है, मैं आप लोगों को बता दूं, ड्राई स्किन वाले इतना खुश नहीं होंगे इससे, क्योंकि जिनकी ज़्यादा ओवर ड्राई स्किन होती है उनको शायद इतना सॉफ्टनिंग इफेक्ट नहीं मिले, लेकिन ये कि ठीक है, मुझे तो अच्छा लगा है। आगे आपकी मर्जी है, देख लें आप, ऑनेस्ट रिव्यू भी देना कुछ चीज़ होता है भाई। दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड एट ऑल, ये भी बताना ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें बॉडी शॉप की हैं, तो आप ये ना सोच रहे हो कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है। बिल्कुल स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, बस मैं फर्स्ट टाइम बॉडी शॉप की प्रोडक्ट्स यूज़ कर रही थी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं तो मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाह रही थी। बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन है, मुझे बहुत पसंद आई है, और मैं रिकमेंड करूँगी कि आप इसको इनको यूज़ करके आप पछताएंगे नहीं। अगर वो एक्सपेंसिव है तो कोई वजह है कि एक्सपेंसिव है। बॉडी जो मेरी फेवरेट इनमें से प्रोडक्ट्स हैं वो बॉडी क्रीम है, बॉडी शावर है, ये परफ्यूम है, ये भी मुझे बहुत पसंद आया है। लूफा तो इज़ गुड, नो डाउट इन इट, लूफा एक जैसा ही होते हैं, मुझे ठीक लगा है, वैसे जैसे होते हैं वैसे ही है। क्रीम और स्क्रब का मैंने आपको बताया कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मॉइस्चराइजिंग नहीं है, पर मुझे अच्छी लगती है, मुझे पसंद आई है। जो मुझे पसंद आई है जरूरी नहीं आपको पसंद आए। मैं ज़रा सोच रही थी कि एक्स्ट्रा ड्राई स्किन वाले जो है ना, उनके लिए शायद ये अच्छा हो कि ना हो, उनको सूट करे कि ना करे, पता नहीं उनको प्रॉपर जिस तरह से उनको नरिशिंग चाहिए वो मिले ना मिले, लेकिन उनके लिए वो जो ड्राई वो जिनकी ज़्यादा है वो क्रीम यूज़ कर सकते हैं। ये अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, बहुत मॉइस्चराइजिंग है, सॉफ्ट है और एब्जॉर्ब भी हो जाती है। पर मुझे क्रीम बहुत पसंद आई है, जो हैंड क्रीम है, और एक तो आप इसको अच्छी सी फ्रेंडली पैकेजिंग आप कहीं भी कैरी कर सकते हैं। मैं अपने बैग में इसको हर वक्त साथ रखती हूँ, और इसको मैं अप्लाई करती रहती हूँ जब मुझे लगता है मेरे ड्राई हाथ हो गए हैं, जब भी हाथ वॉश करना, उसके बाद मैं फ़ौरन अप्लाई कर लेती हूँ। सो कैरी करने के लिए बहुत फ्रेंडली है, पैकेजिंग बहुत क्यूट है, अच्छी है। इसकी प्रोडक्ट्स जो हैं, ये मेरा इनका ऊपर खास रिव्यू था जी भी, हाँ मैं आप लोगों के लिए रिव्यू दिया है ऑनेस्ट सा, और उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और शेयर करिए मेरी वीडियोस को। इंस्टाग्राम पे भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ब्यूटी एक्सट्रीमिस्ट के नाम से है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, आबाद रहें, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।